एरियल सिल्क ये आर्ट फॉर्म सिखाती हूँ, एरियल सिल्क, एरियल रिंग, जो इंटरनेशनल एरियल एक्रोबैटिक करके जाना जाता है। इट्स बेसिकली एक्रोबैटिक फॉर्म योगा, ये सब आसन हैं। जिम में जाते हैं लोग अलग अलग किस्म का वर्कआउट करने के लिए, तो एरियल सिल्क का हम लोग अलग अलग किस्म से यूज़ कर सकते हैं, जैसे एज अ फिटनेस ऑल्सो यू कैन यूज़ इट। ये स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाता है, एंड उसी के साथ साथ बिकॉज हम लोग सिल्क के ऊपर कम से कम 5 से 10 मिनट करते हैं, तो एक किस्म का कार्डियो वर्कआउट भी हो जाता है। मैं बचपन से रोप मलखम करती थी। रोप मलखम एक इंडियन एक्रोबैटिक कह सकते हैं उसको। मेरे पिताजी उदय देशपांडे जी, वो मलखम पूरे जग भर में वो जा के सिखा रहे हैं, तो उनके पास बहुत सारे फॉरेन आर्टिस्ट आते हैं जो एरियल सिल्क करते हैं, पर उनको मलखम सीखना होता है जैसे। तो हमने वो एक्सचेंज करना शुरू किया, मैं उनको मलखम सिखाती थी, वो मुझे सिल्क सिखाते थे, वैसे धीरे धीरे शुरू हुआ। एंड रिसेंटली अभी रेस 3 में मैंने एक कोरियोग्राफी की है सेल्फिश सॉन्ग पे, तो उसमें मैंने डेजी शाह को सिल्क पे रूटीन सिखाया। हमने लद्दाख में जाके ओपन में ऐसे सेट पूरा फॉर्म करके वहाँ पे वो किया। बॉलीवुड में उसका बहुत ज़्यादा डिमांड भी है, हम लोग बहुत सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं, जैसे मैट्स नीचे रखना, टीचर हमेशा खड़ी रहती है उनके बाजू बाजू में हेल्प करने के लिए। और जैसे बोलते हैं हम लोग कि कोई भी खेल हो गिरते ही सीखते हैं। एवरी डे वी टेक लाइक 15-20 मिनट्स का वार्म अप होता है उनका, जिसमें हम लोग उनके स्प्लिट्स कराते हैं, ब्रिज जो चक्रासन बोलते हैं वो कराते हैं। सो बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी के आसन हम लोग नीचे ज़मीन पर उनसे पहले कराते हैं, उसके बाद ही सिल्क पर उनको लेके जाते हैं। तो सिल्क पर भी पहले सीधा चढ़ाना नहीं शुरू करते, एक हम लोग नॉट बांधते हैं उसके ऊपर, उनको पहले कंफर्टेबल फील कराते हैं कि पहले सिर्फ खड़े रहो दोनों पैर से, फिर एक पैर उठा के खड़े रहो, बैठो, फिर हमको झूला झूलाते हैं, तो थोड़ा सा उनको फील आ जाए कि हाउ टू हैंडल योर बॉडी इन एयर। कि एरियल सिल्क के कॉम्पिटिशन शुरू हो चुके हैं, तो एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट करके भी उसको देखा जा रहा है। ऑल्सो मेरा ऐसा भी देखा गया है कि लास्ट में अब ऑलमोस्ट 5 साल से क्लासेज ले रही हूँ, तो जो बच्चे एरियल सिल्क करते हैं जस्ट फॉर अ हॉबी, पर उनका कोई और एक आर्ट फॉर्म और एक स्पोर्ट खेल रहे करके स्विमिंग खेल रहे या जिमनास्टिक्स कर रहे या मलखम कर रहे, तो उनको ये करने के बाद ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। उनको जो बेसिक डेवलपमेंट है बॉडी की, बोलो लाइक स्ट्रेंथ में, फ्लेक्सिबिलिटी में, कंसंट्रेशन, ये सब उनको इतना हेल्प करता है कि वो स्पोर्ट्स में उनके जो भी स्पोर्ट करें उसमें उनको हेल्प करता है।